बाकी लोग जल्दी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। गांधी सर ऑनलाइन आएंगे सर? बबुआ अभी गांधी सर के नहीं बोल सकते हैं कि आएंगे नहीं। चलो इस क्वेश्चन को बनाने का हम लोग सिलसिला चालू करते हैं। चलो क्वेश्चन अब फर्स्ट आप लोग का क्या आंसर आया? कुछ लोग सी 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 बोल रहे हैं सर, और भी सब बैच चल रहा है क्या दूसरे टाइम में? नहीं, कोई बैच नहीं, और भी बैच नहीं चल रहा है। देखो ये करे 800 रुपये की धनराशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए, और इतना करे कि इतना हो जाती है 800। कितना हो जाती है? तो 800 आप देख लो बाबू क्या हो जाती है, 800 रुपया हो जाती है इतना। तो कह रहे हैं कि बताइए 4% बढ़ा दी जाए तो वह इतना ही समय में कितनी हो जाएगी? 4% बस बढ़ाने की बात हो रहा है, 4% बढ़ा दी जाए क्या हो? देखे बढ़ा के 4%, 4% बढ़ाने की बात हो रहा है कि बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? बढ़ाएं, देखो कैसे होता है काम। कुछ नहीं करना है, जल्दबाजी में बनाना है तब की बात, नहीं तो आराम से बनाना है तो बात अलग है। जल्दबाजी में बनाना है, जितना मिला है वो मिला है, और जो 4% एक्स्ट्रा मिलेगा वो 3 पर मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 पर मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 956 प्लस प्लस ये जो ब्याज किसी का मिलता है ना, ब्याज किसी का मिलता है वो मूलधन पर मिलता है, टाइम से मिलता है और दर से मिलता है। तो हो जाएगा 800 गुने एक्स्ट्रा कितना? 4%। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए, बट्टे में 100। तो इसका मतलब 8×4=32, 32 कितना होता है? 32×96 होता है क्या? 96 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी इतना प्लस 96, बता दो कितना आंसर? इतना प्लस 96 यानी 2, आई होगा 14, 1 15, 5 और 9 1 10, 1052, 1052 ऑप्शन नंबर बी बॉय। बी वाई सी है वो, चलो देख लो सी है, सी है, बहुत सही, आप लोग सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या कल से परिवर्तन होगा? थोड़ा आप लोग को बता दें क्या कल से क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं वो पहले बता दें आप लोग को। परिवर्तन ये होगा, एक बार लास्ट में भी बता देंगे परिवर्तन क्या होगा, सुन लो परिवर्तन क्या होगा। कहिए क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन सुनो आप, कल से एक परिवर्तन करने जा रहे हैं। कहिए क्या चीज? सुनिए, हम चाहते हैं ना कि ये 20 क्वेश्चन और फास्ट बने। तो कहिए कैसे सर? एक व्यवस्था के तहत। कहिए कौन सा व्यवस्था? एक व्यवस्था है, जो 20 क्वेश्चन एक से लेके 20 क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का पीडीएफ यदि हमें कल पढ़ाना है 20 क्वेश्चन, उसको हम आज मेंटर्स क्लासेज की वेबसाइट अपलोड कर देंगे, mentorsclasses.com के वेबसाइट पर। फिर से, जो चीज कल पढ़ाना है उसको हम आज लोड कर देंगे उस पर पीडीएफ, जाके उसके निकाल के आगे दनादन जितना स्पीड में होके से बना लो। यदि नहीं बनता तो उसका कॉन्सेप्ट देख लो, तब हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे, और तब आप लोग देखिए समझदारी में कितना फर्क आएगा कि सर हम तो ऐसे बनाते थे, आप कुछ और बना दिए और समझ में आएगा जबरदस्त तरीके से। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आप पहले रट के, और रटना नहीं है, आप एक बार उसको बना लो, दोबारा आप जब बनेगा ना तो ये लाइफ के लिए पूरे पूरे एग्जाम के लिए हो जाएगा, पूरा उसको चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा उस चैप्टर का कल रिवीजन कर लेना। फिर से, कल हम 20 क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, उसको आज मेंटर्स क्लासेज की वेबसाइट पर डालेंगे, ऊपर में ही रहेगा, खोलिएगा ऊपर में ही रहेगा, और जैसे ही खोलिएगा तो पीडीएफ आप उसका डाउनलोड कीजिएगा। जैसे हम एक दिखा देते हैं, ट्रायल देख लो एक बार, ये मेंटर्स क्लासेज हम यहाँ पे देखो, दिखेगा थोड़ा सा, आराम से देखना mentorsclasses.com। हम जैसे ही किए तो ये आपका नीचे में दिख जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ मेंटर्स क्लासेज एक दिखेगा, उसको खोल देना आप हिंदी में, और देखो ऐसा ही दिखेगा, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, आराम से देख लो, थोड़ा सा नजदीक से देख लो, कुछ दिख रहा है क्या?
वहां से क्लियर करो, ठीक है, इस पर फोकस करो, देखिएगा दिखेगा, इस पर फोकस कराना है। ऊपर में ही बाबू, ये वाला ऊपर जो आ रहा है ना, ऊपर वाला, यही आपका रहेगा, इस बात को देख लेना आप, ऊपर में। मेंटर्स क्लासेस जैसे ही खोलिएगा तो ये ऊपर में आपका दिखेगा, ये और नजदीक कर दें, देख लीजिए, देख लो, देख लो एक बार आराम से, आराम से एक बार देख लो कैसा दिखेगा, क्योंकि बहुत लोग को नहीं दिखता है, देख लीजिए। हाँ ये बूझ भी जाता है वो, देख लो ऐसे, देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो आप लोग देख पाए होंगे, अब हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझिएगा, ये मोबाइल बूझ भी गया था बीच में। आओ देखो, इस बात को हम कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा उसको, पहले क्या करना है पुनः सुन लीजिए, पुनः जो कल हमको पढ़ाना है वो आज ही आपको सेट दे देंगे, उसको आराम से मन से घर पे बिंदास बनाए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को समझदारी बहुत ज्यादा विकसित होगा, जबरदस्त, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन दें और टाइम आपको ना दें, हम टाइम नहीं देंगे, इसलिए वो नया नियम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। तेंदुआ पार्टी, आओ बाबू देखते हैं तेंदुआ पार्टी, आओ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनाओ, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं थोड़ा देख लेना। और सूर्या बाबू कर रहे हैं, और भीचू लाइन, भीचू गई हुए बहुत हो, भीचू तक पहुंचल है, बाकी निका करब ना दिखल हुए, चलो कोई बात ना। चलो भीचू हो गई ना, देखा जाए चालू करेगा ना, देख लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बताइएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर, अब इसका आंसर बताइए आप लोग, बताइए जल्दी आंसर, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दीजिए, टेलीग्राम पर अभी पीडीएफ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर लगातार वेबसाइट पर अच्छे अच्छे मटेरियल डाला रह सकता है बहुत दिन तक, टेलीग्राम पर वो सब काम नहीं हो सकता है, इसलिए वेबसाइट जरूरी है, ठीक है। कोचिंग चल रहा है सर, ना बाबू कोचिंग बंद बा, आओ क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं, बी बुआ बी बुआ बी बुआ, कैसे बी या बताओ, मारे लगब ना तुरंत बी से सी हो जी बजा, बी कैसे आ गई, आओ इधर आते हैं, सुन लो आज के बाद ये क्वेश्चन और भी दे सकता है, नया क्वेश्चन हम देंगे, पहले इसको आप देख लो, नया क्वेश्चन एक देंगे, बात समझिएगा, ये इस बात को पहले सीख लो कि कभी भी घनाभ के संलग्न तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हो तो उसका आयतन जो होता है ना, आयतन, वो आयतन किसके बराबर होता है, याद कर लो किसके बराबर, आयतन भी जो होता है ना अंडर रूट, ये तीनों के गुणनफल के बराबर होता है, पी क्यू आर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी डॉग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डॉग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डॉग जाएगा। एक टेंथ क्लास में ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था जहां पर हम यदि संलग्न फलक मान ले, संलग्न फलक मान ले क्या क्या, यदि मान ले हम ए का वैल्यू एक्स, ए का वैल्यू वाई और ए का वैल्यू जेड मान ले, ऐसा हुआ करता था, पी बराबर ए गुना जेड एक्स, पी बराबर जेड एक्स, उसके बाद क्यू बराबर एक्स वाई, उसके बाद आर बराबर चलिए कुछ लग रहा है टेक्निकल काम चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, देख लीजिए,
सूर्या कुमार बोल रहे हैं कि हमार देख ली सर, हम कुछ बोल रहे हैं डी। हाँ डी डी डी, बहुत लोग बोले भी हैं। इस बात को एक और तरीके से सुन लो तो बाबू, कहिए क्या सुनाना है सर। इसको हम हटा देते हैं और एक का तरीका और सुन लो क्या हम बोल रहे हैं। इस चीज को तो आप याद रखना, एक क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन सुन लो, नया क्वेश्चन एक सुनो तो, दे रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सुनो, क्वेश्चन दे रहे हैं ना, घनाभ के तीन संलग्न फलक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं इस बात को समझो, क्षेत्रफल दे रहे हैं 20, 30 और एक दे दे रहे हैं आपका 20, 30, मान लो कि 200 करते हैं, 200, 300 और 600 देते हैं, तो कहेंगे आयतन बताओ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो कहेंगे आयतन बताओ, आयतन तो क्या होगा बताओ, आयतन उसका बताओ, 200, 300, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर तो करें उसका आयतन बताओ। सर आपका रुक जा रहा है, अभी रुका था बस, बस हो गया सब, फंस गया, अब नहीं वैसा होगा, टेंशन नहीं लीजिए, बफरिंग कर रहा है, आ जाइए अब इसको बना के बताइए, इसका बताइए इसका आंसर, लौकाई नहीं कहते क्या हो, 360 पर देखो, 360 पर लौकाई नहीं के देता, चलो पेन बदल लेते हैं, हटाओ लोक नहीं रहता, लौकाई दे, अब ये बोले हैं 3, 200, ये क्या बोले हैं 200, कहां गए रे, ये बोले हैं 200, ये बोले हैं 300 और ये बोले हैं 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोले हैं कि आयतन बता दो, बताओ आयतन, 6000 माही चिंकी करके 6000, ये भाई तो एक पता नहीं, आनंद कुमार 6000, उसके बाद शत्रुधन 6000, बिल्कुल शत्रुधन भी 6000, आ जाओ ठीक है, आयतन भी बराबर आप क्या लिखा हुआ, अंदर रूट 200 × 300 × 600, और अब कहेंगे ना 6 को 0 हुआ है तो 3 को 0 हुआ तो निकलेगा, 6 को 0 है तो 3 को 0, इसके बाद 1 को 6 निकलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6000। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, जय हिंद बाबू, आ जाओ क्वेश्चन बताओ, इतना प्रतिशत ब्याज की दर से इतना हो जाता है और इतना प्रतिशत ब्याज की दर से इतना हो जाता है, तो वह राशि बताइए, वह राशि बताइए, राशि जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कल से आप लोगों के लिए नया कुछ कर रहे हैं, अब कितना उसमें सफलता मिलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपको कितना पसंद आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, हमको नहीं पता है, और हमको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं तो पसंद आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। वीडियो फंस रहा है यहां से, नहीं बाबू वीडियो फंस रहा है, आप थोड़ा अपना देख लो। दिलीप कुमार यादव, टोटल गुना नहीं होगा, अंदर रूट होता है गुणनफल। चलो हम अब बताते हैं, कह रहे हैं कि वह राशि बताइए, ये राशि पूछ रहा है इतना, अब हम बताते हैं, इतना प्रतिशत पे इतना और इतना पर इतना हो जाता है ना, आप पहले नियम से यदि बनाएंगे ना तो लफड़ा होगा, कहिए क्या लफड़ा होगा, तो ये आपका ए है, ये आपका एक और ए है, और इतना हम जो पूछ रहे हैं उस बात को बताइए, आपका ए में से ए घटता है तो आपको पता है क्या मिलता है, ए में से ए घटता है तो कहिए अगर नहीं सर तो हम बता रहे हैं, ए में से ए घटता है ना तो ऐसा ही मिलता है, ए में से ए घटता है तो एसआई, कहिए कैसे, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई कुछ दिन का कुछ वर्ष का, यहाँ पे यहाँ पे ए वन बराबर होता है पी प्लस वही पी और एसआई कुछ वर्षों का, 2-3 वर्षों का, 4 वर्षों का, ई कटता है तो ई कट जाता है, लेकिन ये मान लो 3 वर्ष है, ये मान लो 5 वर्ष है तो ये नहीं कट पाता है, एसआई मिलता है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा आप समझते हैं, घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर एसआई का वैल्यू घटा के 5, कितना ये हो गया 5 और ये हो गया 7 और ये खत्म, यानी हम कह सकते हैं कि एसआई वैल्यू कितना दिन में, तो कोई यानी एक वर्ष का, तो वर्ष का सेम समय प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष का, अब कहेंगे ना एक वर्ष का एसआई इतना हो गया एक वर्ष का, और आपसे पूछ क्या रहा है, एक वर्ष का एसआई इतना हो गया तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बता दीजिए एक कितना, कि वह राशि कितना होगा, पी का वैल्यू पूछ रहा है ना,
क्लास कब खुलेगा पता नहीं बाबू, अभी फिक्स नहीं है, बाकी क्लास खुलने की उम्मीद 21 के बाद ही है, जो भी होगा ठीक है। अब समझिएगा एसआई के वैल्यू इतना, आपके पास एसआई के वैल्यू इतना है तो यहां से आप निकाल सकते हो पी बराबर तो 1725 और माइनस कितना, इस बात को समझिएगा। ओ थोड़ा सा इस बात को रुक जाओ, ये थोड़ा सा ऐसे नहीं जाओ, जल्दबाजी में बना, थोड़ा हम देख रहे हैं कि इतना समय ले रहा है, हम कह रहे हैं ना ऐसे ही बना दो आराम से। इन दोनों का अंतर कितना का, तो कहिए सर 75 का। आई 75 अंतर हुआ क्यों, दोनों का जब पी सेम है, दोनों का जब टाइम सेम है तो अंतर हुआ क्यों आर से, तो इसको 15% इसको 20%, तो दोनों का आरवा कितना है तो 5%, 5% का वैल्यू 75, इसलिए सीधे सीधे 100% बराबर पी होता है, पी अपने आप में 100%, तो 20 से गुना इधर में 20 से गुना ऐसे ही बना लो अच्छा रहेगा, 100% बराबर। हम जा रहे थे लेकिन उसे छोड़ो हटाओ 1500, ऑप्शन नंबर सी। पुनः एक बार बता देते, घनाभ के आयतन LBH, सही समझ रहे हैं, सर वीडियो का स्टेटस बवाल करता, वो ठीक ठाक रहे हो का कर बजाय, वो ठीक रहे बना रहे वो में कोई डाउट नहीं। पुनः एक बार सुन लो, दोनों का पी सेम, दोनों का टाइम सेम, तो इसमें अंतर क्यों आ गया, तो इसके कारण कितना इसमें अंतर है 5%, 5% वैल्यू इतना, इसलिए 100% का वैल्यू, 100 अपने आप में पी होता है, पढ़ाएंगे इस चैप्टर को तो 100 अपने आप में पी होता है, मूलधन होता है, तो मूलधन का वैल्यू कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसको, इसका आंसर जल्दी बताइए, तो इसका आंसर गर्दा कर दीजिए, इसका आंसर गर्दा कीजिए, तो गाना सुनाएंगे बढ़िया वाला, बड़ा ऐसे स्थिति खराब चल रहा है, बढ़िया वाला हम गाना सुनाएंगे, वही कर भाई बताओ एक बताइए, तो जल्दी बताइए तब। विशाल बाबू राधे राधे, लेट कहे हो, विशाल को गर्दा हो गई, हाँ बाबू गर्दा तो होता ही बा, अब आओ जल्दी बताओ, गाना सुना रहे हैं, जल्दी बताओ जल्दी, गाना सुना रहे हैं ना तो सूती हो जाए, आओ बताओ। इसका आंसर अभी तक नहीं आया क्या यार, आप लोग भी 16 सूर्या सिंह जबरदस्त 16 और सूर्या सिंह के बाद सी 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 भोजपुरी गाना सुनाई, भोजपुरी सुनाई बे चंदन बाबू, भोजपुरी सुनाई घबरा मत, हम बता रहे हैं बनाने का नियम क्या है उसको भूल जाओ, हम जैसे बना रहे वैसे बनाओ, आप जल्दी बनाओगे। कहिए कैसे सर, x बराबर a प्लस 1/a और y बराबर a माइनस 1/a, हम कहेंगे ना a का वैल्यू कुछ अपना से रख दो बाबू, कुछ भी दुनिया जहान के कुछ भी मान रख दो, कहिए कैसा रखें, सबसे बढ़िया रहता है जीरो रखना, बाकी जीरो रखेंगे तो 1/0 फॉर्म, यह एक इन्फिनिटी फॉर्म देता है, इसको मत रखना जीरो छोड़ के, तो कहे एक रखी, हाँ एक प्लस 1/1 बराबर आपका मान आ गया 2, इसका वैल्यू 2, यहाँ पे एक माइनस 1/1 माइनस 1 बराबर 1-1 बराबर यहाँ का वैल्यू 0, इसका मतलब वाई के जगह पर 0 एक्स के वैल्यू 2 रख दो, वाई जहाँ खत्म क्योंकि 0 रखना है, यहाँ भी वाई है खत्म, बच्चा x के पावर 4 मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 बराबर 16, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे बढ़िया ऐसे ही रहेगा, सबसे बढ़िया ऐसे ही गर्दा कर देना है, ऐसा ही गर्दा कर देना है, 2 के पावर 4 बराबर 16 ऑप्शन नंबर 3। कहिएगा सर कुछ भी रखने से आ जाएगा, कुछ भी यहाँ रख सकते हो, एक वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, जीरो के छोड़ के कुछ भी आप रख सकते हो, जीरो के छोड़ के, लेकिन जितना बड़ा रखोगे इतना ही बड़ा मान आएगा, लेकिन हम कहेंगे आंसर बड़ा नहीं आएगा, मान इसका बड़ा आएगा,
आंसर वही आएगा, लेकिन हम कहेंगे एक रखने से फायदा क्या हुआ, वाई सीधे सीधे खत्म, तो वाई का वैल्यू जीरो और एक्स का वैल्यू कितना दो, तो ये खत्म क्योंकि जीरो का पावर चार खत्म, दू गुने दू का स्क्वायर और गुने जीरो का स्क्वायर ये खत्म, तो ये बचा एक्स के पावर चार, मतलब कितना हो गया 16। अब गाई सच में सूर्या बाबू बोल रहे हैं अब गाई विशाल बाबू गर्दा ओह 16 गाना सुनाइए वाह रजनी सब कोई के दुनिया के दिमाग घूमल बा, हम गाना सुनाई गाना सुनाए पड़ी का इस, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे गर्दा करना है, कहिए कैसे बात समझ में आ रहा है, x बराबर a प्लस वन बाई ए और y बराबर a माइनस वन बाई ए, हम बोल रहे हैं a का वैल्यू हम एक रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो जीरो को छोड़ के, जीरो मत रखना, जीरो नहीं रखना है, तो a का प्लस एक, एक प्लस एक बराबर दो, और इस स्थिति में इसका वैल्यू रखते हैं एक माइनस वन बाई एक बराबर इसका वैल्यू जीरो, अब यहां रखे तो दो के पावर चार, यहां रखे तो जीरो, यहां रखे तो जीरो, हाई हाई खत्म, तो हो गए दो के पावर चार, मतलब कितना 16 16। ये बात सर गाई सर जी गाना वाह बोले हैं तो विशाल कुशवाहा मन बा गाना सुने के जानता जा, अति घड़ी के हालात जैसन बहुए ना, हमार हालात होके चाहे तोहनी जाने के हालात होके चाहे दुनिया के हालात होके, दुनिया के एक ही गाना याद आवत हुई पता बा का, कोरोना महामारी आदमी को ऐसा बना दिया है, हर किसी को, जिसको पढ़ाने का मूड हो उसको घर में बंद कर दिया है, जिसको पढ़ने का मूड हो उसको भी घर में बंद कर दिया है, जिसको खेती करने का मूड हो उसको भी स्थिति खराब कर रखा है, जिसको मार्केट जाने का मूड है उसको भी स्थिति खराब, जिसके घूमने का मन है उसके भी स्थिति खराब, यानी ओवरऑल सबके स्थिति खराब करके एक ही गाना याद आवत हुए, कैसन जिंदगी हो गई मौत से दोस्ती हो गई, समझ में आता गाना सुन ले पड़ता कि ना, कैसन जिंदगी हो गई, इहे गाना बस इहे गाना सब सब किसी पर जाके ट्यूबवेल बैठता है, ये कैसन जिंदगी हो गई, हम हो चाहे कोई और हो, हम तो इसे फटा थोड़ा गाई ना, टेंशन मत लिया जाए, सुनाई दिला है ना, आ इधर आते हैं, कुदरत के आगे भगवान भी बौना हो जाता है, नहीं भगवान के आगे कुदरत भी बौना हो जाता है, उल्टा बोल रहे हो, कुदरत के आगे आदमी बौना हो सकता है, कुदरत के आगे भगवान बौना नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट पर गुस्सा आ रहा है, अब गवर्नमेंट पर गुस्सा आवे चाहे क्या हो गया, अब हम क्या करें, हिला देनी सर, आओ इधर आते हैं पढ़ते हैं बहुत भइल, कैसन जिंदगी हो गई, समझ में आता ना, आओ इधर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, इधर आते हैं इधर, ऐसा हमारा गावे ना वाला बाकी कुछ कुछ याद आवला कि इधर ऐसे भी हो गई बहुत अति घड़ी, आदमी ऐसा अपने आप में मुरझा गई बन सब कोई कि हे गाना सब कोई गावत हो दिल में बैठा बैठा के कि काश कुछ और हो, आओ इधर हाँ इस क्वेश्चन के, राजू सामान्य चाल के इतना स्पीड से चलता है तो इतना मिनट देरी से पहुंचता है, वो अपनी सामान्य चाल से यात्रा करे तो कितना मिनट में दफ्तर पहुंच जाएगा, एंसर 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 जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ माही सिंह की 72 बिल्कुल, धनजी सिंह 72 बिल्कुल, ये सूरज कुमार गुरु जी का गुरु जी का गुरु जी बोलो जल्दी आंसर बोलो, हम देख लेते हैं तो जने का आंसर लगा तोड़ जा, गाना सुनैले बनी बात समझ में आता, जल्दी जल्दी पढ़ा जा, हाँ जितने लोग बाकी लोग को भी बोलिए कि आगे पढ़े समझदारी से पढ़े, बिल्कुल सही ऐसे ही नहीं करते जाना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कल से तो कुछ अलग, ये कुछ नहीं करना है, क्या करना है जो लोग पढ़े उनके लिए बात बोल रहे हैं, 3/4 मतलब पहले चाल एक होगा तो ये 3/4, ये इसका मतलब 4:3, ये चाल का रेशियो है और समय का रेशियो जो हो जाएगा ना बाबू उल्टा हो जाता है, 3:4 अब पहले इतना मीटर देरी से देरी देखो तो कितना एक का वैल्यू 24, तो ओरिजिनल में पहले तीने में चल जाता था, तो 24 तिया 72 ऑप्शन नंबर,
लेकिन ट्रिक से जाएंगे ना, ट्रिक ऐसा कहता है कि 3/4 मतलब ऊपर को घटा लो, तो घटाएंगे तो घटा के नीचे लिखना होता है, तो 4-3 का अंतर 1 और ऊपर वाला मान लिख लो गुने है जो देले बहुका से गुना कर लो, तो 24 दिया 72 ऐसा हूँ आंसर 72 है, 72 मिनट वैसे भी 72। नीचे अंतर ऊपर सेम का सेम मान, ए बाई बी फॉर्म में रहता है तो कहता है ऊपर सेम लिखो नीचे में दोनों का अंतर लिखो गुने 100 लिखो, नीचे में अंतर चलता है गुने 100 ना गुने टाइम जो दिया रहेगा टी जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सही सर जी, ठीक बा। इसका आंसर बोलो 6 नंबर का बाबू। ई कहता चंदन बाबू की सर आईफोन ले लेने का ना हो उतना हम चाहे ना कि हमारा देख के जो फॉलो करे वाला बना उस समझदार बनो, हम मैक्सिमम फोन 4-5-10-12 हजार तक ली ना, उतने तो नहीं जान ला जाए, ओका से ज्यादा लेवे कोशिश मत कर जाए। आईफोन का चीज हुए, आईफोन से क्या हो जाए, आईफोन से चंद्रमा पर फोन लग जाइए हैं, आईफोन से आदमी के चेहरा कुछ और नजर आ जाइए, अरे थोड़ा सुंदर दिखिए, आईफोन क्या यार दिमाग है भाई, आओ इधर आते हैं। आईफोन देखो कुछ नहीं, सबसे बढ़िया जोगाड़ क्या है, ये होता है इसका वैल्यू, ये होता है इसका वैल्यू, 2:3 कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में 2:3 तो हाई कहीं का तो 3:2 तो हाई आंसर ना हो सकल है, क्या कि हाई ए हो गए हाई बाबू बी है सी है, हाई कहते हुए ना हेकरो वैल्यू कितना तो कटावते 3:2 तो हाइयो ना हो सकल है, हेकरा कटाव जी तो 2:3 तो कहते हुए हो सकी ना, हेकरा भी कटाव जी तो 2:3 ये भी हो सकल है, तो अब दू गो आ गया, तो दू गो आ गया तो कहिएगा अब किसको चेक कीजिएगा, अब बी का वैल्यू बी बटे सी का वैल्यू आपका ये है B बटे C, इसका मतलब हम कह सकते ये हो सकता है, तो अब इस स्थिति में कितना हो जाएगा बाबू, इतना का यानी कह देंगे B का वैल्यू 4 C का वैल्यू 5 4-5 देखो तो यहां से 10 15 और 12 में, अब इसको देखो तो इसका देखोगे तो पंक्तियां 15 और चरतियां 12 5:4 हो गया, उल्टा यहां पे हम कटाएंगे तो 12, 8, 12 और 15 इसको हम कटाएंगे तो 4:5 कितना 5 4 3 12 यानी ऑप्शन नंबर डी डॉग। पुनः एक बार बोले हमनी के काम हो पता ना का बोल देला जाए चला जाए उतना हमें इंग्लिश ना समझ में आला है, तो पुनः समझ ले एक बार कि बीसी के रेशियो चाहिए 4:5 बीसी के, तो 4:5 वाला है बोबे 4:5 हाई बोबे 5:4 हाई बोबे 5:4 हाई बोबे कितना 4:5 तो हाई दू को सीधे सीधे ना हुई। अब पुनः एक बार पुनः कितना कि ए बी के रेशियो चाहिए 2:3 तो 2:3 हाई बोबे 3:2 तो हाई होना हो सकला हाई बोबे 2:3 एक हाई दोनों के देखते हैं ना, तो गुना आप कर लो ए पार्ट बी बराबर 2:3 बी रेशियो सी बराबर 4:5 और बीबी को बराबर करो ये दोनों को बराबर करो बाबू, तो बराबर करोगे तो इसमें 4 से गुना इसमें 3 से गुना तो हो जाएगा 4 से गुना तो हो जाएगा 8, 12 और ये हो जाएगा कितना कितना 3 से 12 और 15 हो जाएगा 8, 12, 15 ऑप्शन नंबर डी डॉग सही जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताइए, पुल की लंबाई पूछ रहा है, कल से पहला ही क्वेश्चन आप लोग दे देंगे, कल से पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, सुपर हिट है सर, टोपी पहने के बाहो इस क्वेश्चन का आंसर करे ना, इतना मीटर लंबी ट्रेन इतना के रफ्तार से एक पुल को पार कर देती है, हम कह रहे हैं ना कि 200 अब प्लस एक पुलवा का मतलब पुल है से यानी रुको हिंदी लिखने को हिंदी ना तो कहब कि सर जी पता ना का लिखते हैं, एक मतलब बाबू पुल होल बटे में का स्पीड 36 बराबर 55 सेकेंड ये 5/18 से गुना, क्यों इसको बदलने के लिए 2 से गुना 10 से गुना हो जाए 200 प्लस पुल
बराबर कितना बाबू हो जाए, तो गुना है कितना का 10 से गुना 550 जाके हो जी पुल बराबर जाके घटी तो बाबू कितना 350 कहीं दिखा था हो 350 ऑप्शन नंबर 350 350 लगा लो। नहीं टेलीग्राम पर नहीं, मेंटर्स क्लासेज के क्वेश्चन मेंटर्स क्लासेज के वेबसाइट पर ही जाएगा ओनली, और कहीं नहीं। मेंटर्स क्लासेज वेबसाइट पर mentorsclasses.com आप देख लो, वेबसाइट लिखा हुआ ऊपर में टैग किया हुआ है mentorsclasses.com पर ही आज ही जाके चेक कर लोगे। कल वाला क्वेश्चन हम कल सुबह डाल देंगे या आज भी डाल सकते हैं, कल वाला क्वेश्चन जहां तक कल सुबह डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ए किसी काम को बी किसी काम को इतना इतना दिन में, ए बी कह रहा है जैसे कह रहा है उसको बनाते हुए और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, रवि कुमार बोल रहे हैं मास्क लगा के पढ़ाइए ऑनलाइन भी बंद हो जाएगा। ओहो, अच्छा मास्क लगा ले, हमारा मास्क लगावे वाला है, बचपन में हमारा याद बा कि मास्क हरिशहू लाग सकत रहे। और मास्क के मतलब समझल जाए, पहले जमाने में गधा बैल भैंसा ये सब मास्क लगावत रहन, गाँव देहात में जाब लगावल जाते रहे माटी खाए से बचे खातिर, और आदमी के कोरोना खाए से बचे खातिर लगावल जाता मास्क, आदमी के कोरोना खाए से बचे खातिर मास्क लगावल जाता है। पहले लगावल जात रहे बछड़ा के, ओ पाना के, पानी के, बछिया के लगावल जात रहे मास्क, क्या ना खाए, बालू ना खाए, मिट्टी ना खाए, और इस समय हम लोग कोरोना ना खाए इसलिए मास्क लगा के चलना है, यही बात है। सेम कंडीशन हम लोग भी एकदम लगभग उसी के साथ जैसा बन गए हैं। आ जाओ इधर, यहाँ पे बताओ आंसर, इसका क्या आंसर आ गया आप लोग, ए बोल रहे लोग। देखिए ए क्वेश्चन को बनाते हैं, ए बी सी, आओ बाबू देखते हैं 20 40 और उसके बाद 80 एलसीएम 80, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1, पहले कौन आता है ए, फिर कौन आता है प्रत्येक कह रहा है ए को बी तथा सी प्रत्येक हर तीसरे दिन, ए पहला दिन, दूसरा दिन ए, फिर तीसरा दिन ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या हो जाएगा ए, फिर ए, फिर अगला दिन ए बी सी, ऐसे होता है ऐसे। तो हम क्या कहेंगे, ए आया चार किया, यहाँ थोड़ा देख लो ये चार है, ये देख लेंगे आप कितना है बाबू, ये चार है, तो ये चार किया, फिर ये आएगा चार किया, और फिर तीनों लोग आएंगे तो कितना हो जाएगा सात हो गया, सात हो गया, चार चार दो छः एक सात हो गया, फिर तीन लगेंगे तब कहेंगे देखो रिपीटेशन तीन तीन दिन पर हो रहा है, तो कहेंगे तीन दिन का काम जोड़ लो बाबू, तो ये 8 15 तीन दिन का काम 15, बताओ 80 बोतल पीने के लिए कितना दिन लग जाएगा हो, तो 80 दिन गुना करेंगे 15 75 75 15 75 75 अब किसकी बारी आएगा कौन शुरुआत करता है, ए ना, ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, प्रत्येक तीसरा ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, क्या क्या बोल दिया हो, तीनों मिलकर ना, ये दो बार में, ये एक बार में, ये चार बार में, चार चार आठ और सात 15, तीन दिन का 15 15 75 बचा कितना है? चार चार पूर्णांक में आंसर आना चाहिए, क्या बात है बाबू, ताकि माटी ना खाए, देखो तो क्या कर रहा है, ए को बी तथा सी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, बी तथा सी ऑप्शन में कुछ परिवर्तन होगा, ऑप्शन में कुछ परिवर्तन होगा, आंसर गलत नहीं है, आंसर हम नहीं अभी कह सकते, ऑप्शन में कुछ परिवर्तन होगा, बनाए गलत नहीं है, फिर से एक बार देख लो, क्या पुनः देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, ए बी सी किसी काम को इतना इतना और इतना दिन में कर सकते हैं, ए को बी तथा सी हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है, तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, ए कितने दिनों में, ए की बात बोल रहा है इसका मतलब विश्व के 80 नहीं, ए का काम, देखो पुनः ऐसे ए नहीं बोलना चाहिए, सबकी बोलना चाहिए ए बी सी, ये शब्द खराब है, ए नहीं होगा, कुल काम होगा, कुल काम कितने दिनों में, ये हो जाएगा 20,
ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 80, ये हो गया 40, इसका एलसीएम 80 और इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1। अब इस स्थिति में पहले ए, फिर ए दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों मिल के आ गया, फिर ए और फिर तीनों ए बी सी आ गया, तीनों हम बना देते हैं, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना। तो 4 4 8 और तीनों आएगा तो कितना हो जाएगा 7, फिर 4 4 8 4 4 8 तीनों आएगा तो 7। तो हम कहेंगे 3 दिन का रिपीटेशन, तो 3 दिन पर काम हो गया कितना 15 का, तो 3 दिन 5 से गुना तो 15 5 75 दिन में 75 काम बचा, कितना ये काम बचा है। तो इसका आंसर क्या होगा उस बात को समझो, एक दिन फिर आएगा ये तो 4 करेगा तो 79 हो जाएगा, 79 अब बचेगा 1, तो इसका आंसर होगा 16.1/4 16.1/4। कोई आंसर लगाए हैं क्या सही? चिंकी माही और एक कुछ लोग बोल रहे हैं 16.1/4 बिल्कुल, अशोक बुलेटिन भी बिल्कुल सही बाबू। यहां पर 16.1/4 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नहीं था इसलिए हम एक बार पुनः देखने का प्रयास किए कि चलो अपने पर शक किए कि नहीं कि कुछ आंसर सही ऐसा नहीं ना हो रहा है। सर लाइट कट गई काहे हो, इश्तियाक दिया जला ल, दिया बोगे ना बार ल दिया। 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन का रस तथा जल क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में है, दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाता है, बड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है, तो कहे नए मिश्रण में रस और जल, रस और जल, ठीक है बता दो बाबू क्या होगा। बाकी लोग आंसर बताएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, 5:1 और अगला कितना है आपका 5:7, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए तो 6, इसको जोड़िए 12, एलसीएम एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का एलसीएम 12, 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 से इसमें भाग दीजिए 2 बार में, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो 10 2, और इसमें 12 से 12 से भाग दिए तो 1 बार में, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो वही का वही, और बस कुछ नहीं इसको जोड़ देना है, जोड़िएगा तो 15 और ये हो गया 9, 15 9 कट जाएगा, लगता है कितना कट हो जाएगा 15 तितिरी के 9, ऑप्शन नंबर बी हुआ है लगा दो, बी हुआ है बिल्कुल सही। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, जब सबकी राज खत्म होता है तो दिया की जमाना आता है, दिया का जमाना कभी नहीं जा सकता है, नहीं विश्वास है तो अच्छा से देखो, आप लोग हर जगह पर दिया जला सकते हो। आगे इस क्वेश्चन को बताओ, कह रहे कि इतना प्रतिशत वार्षिक दर से इतना हो जाए, राशि कितने में इतना हो जाएगी, बता रहे चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो बाबू, बताओ तो फास्ट बता दो, फास्ट बनाने का तरीका एकदम फाइनली एक चीज होना चाहिए, कहिए कैसे, बता रहे हैं सुनिए, हम कहेंगे ना 5% का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा सर 1/20, ये ऊपर वाला होता है सी आई, नीचे वाला होता है पी, इसको जोड़ने पर होता है 21/20, ये होता है पी और ये अब बन जाता है ए, और कितना वर्ष के लिए टाइम नहीं पता है, लेकिन एक और काम कर दे, दूसरा काम एक और लिखे a/p इमेजिनरी है और रियल a/p लिख दो, तो इतना बटे में 800, ये रियल a और रियल p, तो इस स्थिति में आई दोनों आपस में बराबर हो जाएगा 21/20 के बराबर, लेकिन कब अगर बराबर हुई, कब बराबर हुई, लेकिन कुछ टाइमवा दिखल जाए तब, कुछ टाइमवा दिखल जाए तब, हिजकट के 441 और बटे में 400, बताओ बाबू क्या करोगे कि 441 आ गया, 21 के स्क्वायर की क्यू, तो कहिएगा सर स्क्वायर करे पर काम चल जाए, ऑप्शन नंबर डी, 20 के स्क्वायर के लिए 400 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइम कितना हो जाएगा डी डॉग, कहिएगा सर मेथड से, लो भाई हम क्या करें, मेथड लिख सकते हो क्या, 800 इतना बराबर इतना इंटू 1 प्लस r/100 के पावर p
और इसका वैल्यू आप कल देख दो 5%, इसको हल करोगे तो मनवा आ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे पुनः एक बात सुनो, इसको कटा लो 400, इसको कटा लो 441, बताओ ये क्या है, स्क्वायर है कि क्यूब है, ये वाला स्क्वायर है कि क्यूब है, तो कहिएगा सर स्क्वायर है, आंसर स्क्वायर होगा। ये दोनों स्क्वायर है तो आंसर स्क्वायर होगा, दोनों क्यू क्यू होता तो आंसर क्यू होता, यानी मान थर्ड वर्स होता, दोनों पावर किसी का फोर होता तो पावर फोर होता, कंफर्म बात, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर, राजेश इतना की गति से दफ्तर जाता है, इतना गति से वापस आ जाता है, तो कुल 9 घंटे लगते हैं, तो घर और दफ्तर के मध्य के बीच की दूरी बता दीजिए, जाने आने में लगा समय 9 घंटा, तो दफ्तर इसके बीच की दूरी बता दीजिए जल्दी फास्ट। चलिए देखें, देखिए क्वेश्चन देखा तो बात करते हैं, गया बी एक गया, आपका स्पीड आपका हो गया, कहेंगे पहले 20 लिखेंगे क्योंकि बड़ा लिखेंगे, उसके बाद माइनस 25 बराबर माइनस की प्लस का है कि दोनों के मिला के कितना घंटा लगता है, दोनों के मिला के 9 घंटा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा कितना बराबर 5D, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो आपका हो जाएगा 4D बराबर 9, तो आपका मान हो जाएगा 9D बराबर 9×100, यानी हम कह सकते हैं इससे ये गया था डी का वैल्यू 100, कहीं दिख रहा है वो 100 किलोमीटर, बिल्कुल सही 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, सही बात। चलिए इसको बताइए, छह व्यक्ति 16 दिनों में 36 एकड़ की कटाई करते हैं, तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ की कटाई करेंगे, जल्दी बता दो आप इसका आंसर, MDH फॉर्मूला पर चलेगा, MDH बटे में W बराबर M1D1H1 बटे में W1 निकाल लगा लो, अब बस आंसर लगा के बताओ क्या है, जल्दी बताओ बाबू क्या होगा, तो कहेंगे सर 6 व्यक्ति तो 6M, पहले कितने दिन में 24 दिन में कितने एकड़ क्या करना है, फसल काटना है कितना एकड़ को, तो ये नीचे रहेगा हो जाएगा आपका 36 बराबर कितने व्यक्ति 12 व्यक्ति कितना दिन इतना दिन कितना एकड़ पता नहीं है, तो W1 एकड़, इस स्थिति में कटेगा 6×36 6×24 और ये हो गया 34×12 यानी W1 का वैल्यू 38×54, ऑप्शन नंबर सी, सी बहुत लोग आंसर लगा रहे हैं, बहुत जबरदस्त आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त, कल तो और जबरदस्त आंसर देना है, वो भी बना के देंगे, कल के रट के ना सर ये आंसर आ गया ना, क्वेश्चन देंगे फिर बनाना है, तब यदि उसमें आप लोग मन नहीं लगा तो देख लेंगे क्या होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे अनुसार चलिए, थोड़ा सा बना के ही आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे, एक लंब वृत्त शंकु का आधार का व्यास इतना, उसकी ऊंचाई इतना है, तो कह रहे शंकु के तिर्यक ऊंचाई बताइए, तिर्यक ऊंचाई समझ में आता है, तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लेंट हाइट होता है का हो इंग्लिश वा, मतलब तिर्यक ऊंचाई हाइसे वाला ऊंचाई, खड़ा ना तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, बता दो। गर्दा विशाल बाबू, हाँ आंसर बताइए, इसका आंसर बताएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यास कितना है, व्यास आपका है कितना, तो व्यास आपका है 4, तो त्रिज्या हो जाएगा 2, और उसके हाइट दिया है 2√3, तो ये वाला निकालना है, ये बराबर सूत्र होता है अंडर रूट हाइकर स्क्वायर 2√3 के स्क्वायर और प्लस है 2 के स्क्वायर, मतलब 4×3=12 और प्लस 4×12=16, 16 का मान कितना होता है, 16 का वैल्यू 4, यानी ऑप्शन नंबर बी बॉय 4, देखिए 4 देखिए, हाँ 4 बिल्कुल सही, गर्दा मचा रख। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, इतना सेम भुजा वाला एक नियमित बहुभुज के बाह कोण बताइए, बाह कोण का माप बता दीजिए, इतना सेम नियमित, नियमित मतलब नियमित समझ में आता है, रेगुलर
रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन को नियमित बहुभुज बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगन। बता दो आंसर, रिपीट करी ना बाबू, रिपीट करी ना, कैसे कर, मार देनी जा। हाँ विशाल मार देनी जा, चल आओ एक आंसर बताओ। सुनो, होता है बाह कोण बराबर, बाह कोण बराबर होता है 360 बटे में भुजा, 360 बटे भुजा, 360 भुजा कितना है, 360 भुजा कितना माने 5, इससे कटाओगे तो 5 7 35, 5 दुना के 10 यानी 72, कहीं दिखा था वो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बाह कोण, ऑप्शन नंबर ए गर्दा सर, बिल्कुल बिल्कुल 72 72 बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास इतना है तो कह रहे उसका परिमाप बता दो, व्यास इतना है तो परिमाप पूछ रहा है, व्यास मतलब डी दे रखा है, डी है 63 तो आर हो जाएगा 63 बटे में 2, तो आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए इसका परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप। सर कोस्ट गार्ड का कब से, बाबू कोस्ट गार्ड के मेरे यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, कोस्ट गार्ड का नहीं हम बैच चलाते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है, परिमाप बराबर याद है तुम लोग का बाबू, पाई आर प्लस टू आर, पाई आर प्लस, पाई आर प्लस टू आर, पाई आर प्लस टू आर, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा, पाई 22 बटे में 7, आर का वैल्यू 63 बटे में 2, अब प्लस 2 गुने 63 बटे में 2, तो हई से हई कैंसिल, हई से कटी 11, हई से कटी कितना बार हो, 9 7 63, 9 7 11 नवा के 99 और प्लस 63 जोड़ के अंतिम में 2 वाला कुछ दिखता है, हई ये हुई ऑप्शन नंबर 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर बिल्कुल, 162 सेंटीमीटर बी 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 बिल्कुल। 16 नंबर बताइए, आसान आसान भी क्वेश्चन कुछ दे दिए हैं कि बिल्कुल आप लोग 162 देखा ही हो, देखा ही था हर बबुआ विशाल यादव जी देखा था, महाराज देखी महाराज जी ये बारी, इतना के आंसर बताओ। ए ए ए ए ए ए वाले आ गए, ए वाले बहुत गर्दा मचा के पढ़ रहे हो, बहुत गर्दा मचा के पढ़ रहे हैं, आइए समझिए कुछ करना नहीं होता, देखिए गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 जगह पर है ना, तो गुना करना होता 99 × 6 क्यों होता ये भी बता देंगे, प्लस 1/7 2/7 डॉट डॉट है चलत रही कितना 6/7 एलसीएम ऊपर वाला है गुना कर लिए तो वो कितना हो जी गुना होके गुना के नक्षक 54 54 54 5 59 इतना प्लस प्लस हेजी से एलसीएम 7 1+2+... 6 हम कहिए असही जोड़ लो ऐसे ही जोड़ लो 1+2+3+4+5+6+7 ये असही जोड़ लो ना तो सूत्र आवला n×(n+1/2) सूत्र भी आवल हुए बाकी ऐसे ही 6 5 11 15 5 20 21 21 यानी इतना प्लस 21/7 बराबर यहाँ से मान आता है 3 और 3 जोड़ते इतना 97 कुछ दिखा तो कहीं क्या हो ऑप्शन नंबर डी डॉग डी डॉग ऑप्शन नंबर डी डॉग ऑप्शन नंबर डी डॉग डी डॉग सही बात बोल रहे हैं सही सही ऑप्शन नंबर डी डॉग ऐसा क्यों हो रहा है बात समझ पा रहे हैं ना क्यों हो रहा है ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये हो के खाली देखो इतना इतना को हम छोटा के देखो छोटा के देखो और देखो ये हम क्या लिख सकते हैं 4+1/2 अब प्लस 4+1/3 को हम क्या लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 4+1/2 अब प्लस 4+1/3 और ये 4 जोड़े चाहे 4 × 2 से गुना करें 4+4 लिखें चाहे 4 × 2 लिखें बात बराबर तो उसी प्रकार से ई कौ था 6 वो इसलिए 6 से गुना कर दिए थे इसीलिए हो गया था 99 × 6 99 × 6 + आया था कितना 1/7 2/7 ……… कितना 6/7 और इसका वैल्यू आ रहा था कितना 594 प्लस इसका वैल्यू 3 आ रहा था तो आ गया था 597 597
17 नंबर क्वेश्चन। नीतीश कुमार लेट हो गया, लेट मत कीजिए। दिखो कुमार, लव यू सर, बिल्कुल लव यू, लव यू, लव यू। ओरे ओरे ओरे, इतना प्यार कर लो कि बर्दाश्त ना होला हमरा से। अवे बहुत प्यार करता है, इतना कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके इतना 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 से विभाजित करे प्रत्येक दशा में, प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। कल बताए थे, याद करो क्या बताए थे, कि इसमें से इसको घटा दो तो घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओगे तो 8 और कितना 4 यानी 48 दिख रहा है क्या, 95 में से 47 घटाओ ये हो गया 8 और ये 4 48 से दिख रहा है, ठीक है 48, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा बाबू 2 और ये आ गया 99। अब बताओ कि इन दोनों का काटने वाला इसमें कोई दिख रहा है, तो 7 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बचा कौन 4 4 4, यानी ऑप्शन नंबर बी गुआ है। और नहीं तो क्या करना है, एक दूसरे में से घटा घटा के उसका एचसीएफ निकाल देना है, एक दूसरे में से घटा घटा के निकाल दें। लो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से इसको हम घटा रहे तो अभी आया था कितना, तो अभी आया था 48, इसमें से इसको घटा रहे तो कितना आया था, तो आया था ये 92 और इसमें से इसको घटा रहे तो कितना रहा है तो 140 और इन तीनों का 48, 92 और 140 का निकाल लो आप एचसीएफ, जिसका वैल्यू आ रहा है 4, जिसका वैल्यू आ रहा है 4, ऑप्शन नंबर बी बॉय। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ बाबू 18। हेलो सर जी, हेलो, गर्दा हो गई, गर्दा तो कर ही बैठ जाए, गर्दा तो कर ही बोल, नींद में आई तब गर्दा हो जाए, बस समझ में आई, मुंह सुंदर होके चाहे ना, गर्दा पढ़ावे आवे चाहिए, बस इतना जवाब समझ में आते, कलर खड़ा करके पढ़ाओ चाहे कलर खड़ा गिरा के पढ़ाओ, बाकी पढ़ा देवे बस। आओ इधर देखते, ये कह रहा है ना कि बताइए कितने न्यूनतम यथावत यथावत हो जाएगी रुपयों में, पूरा पूरा पॉइंट में ना मिले पैसा इतना रुपया पर, तो कहता है ना कि एसआई बाबा सूत्र क्या होता है, तो एसआई बाबा सूत्र होता है समझिए क्या है, इतना रुपया पर, पी है आपका, पी है इतना पर, पी है देखिए ध्यान दीजिए, पी तो 2600 गुने आपका, ये देख लीजिए 36 का 18 20/3 और गुने टाइम एक होगा बटे में 100 है से है कटतम, अब देखो का का आएगी 26 अगुने 20 अगुने टाइम बटे में 3। अब हमारा बताइए बाबू कि 26 3 से पूरे पूरे कटेगा तो नहीं, 20 3 से पूरे पूरे कटेगा तो नहीं, तो इस स्थिति में टी को किससे कटना होगा, टी से तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, टी को किससे कटना होगा तो टी को ही इतना मान होना है 3 से कटे, तो यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर कौन आएगा, यानी ऐसा मान आएगा जो 3 से कटे, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन चालू करते हैं, देखते हैं टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को देखो बाबू, थोड़ा सा ओवर टाइम नहीं, मेरा बैटरी बैकअप उसका खराब हो रहा है, देख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा तो थोड़ा रुक जाना, देखना इतना औरत इतना आदमी किसी काम को इतना दिन में, इतना पुरुष इतना महिला उसी काम को इतना दिन में करे, इतना पुरुष इतना, तो क्या बनाने का नियम है, क्या बनाने का, 2 मैन + 7 वुमेन इनटू कितना दिन, 14 दिन बराबर 3 मैन + 8 वुमेन गुना कितना दिन हो 11, गुना करने का नियम समझो, 14 दुना का 28 11 33 28 33 का अंतर बताओ, तो कहिएगा 5 एम के साथ 5 एम रहेगा, अब 14 14 7 98 होता है क्या, 98 और ये 88 88 98 का अंतर, तो कहिएगा 10 ये डब्लू के साथ 10 हाई कट के हो गए 2 यानी एम बटे डब्लू का वैल्यू आ गया, एम बटे डब्लू बराबर 2/1, कैसे कैसे गुना किया पुनः 14 दुना का 28 11 33 28 एम में से एम में घटी ना, तो 33 में से 28 घटी तो कितना आ जी 5 आ जी, उसी प्रकार अगला के किए हैं, अब कहिएगा अब क्या लिखिएगा, अब नेक्स्ट जो पूछ रहा है कर रहा है ना 5 एम + 1 4 वुमेन मिलकर कितने दिनों में, एक बराबर एक वो इसमें से उठा के रख दो, इसमें से कहेंगे 2 मैन + 7 वुमेन × 11 देख लेना, दिख रहा है ना थोड़ा देख ले, हाँ दिख रहा है, चलो इतना, अब इस स्थिति में एम का वैल्यू है 2 तो 5 दुना के 10 + डब्ल्यू का वैल्यू 1 डब्ल्यू का वैल्यू 1 है 1 तो 4 एकम 4 × x बराबर m का वैल्यू 2 तो
तो सात दुना के चार प्लस डब्ल्यू का वैल्यू एक, सात एकम सात इंटू ग्यारह, तो आपका आ गया चौदह एक्स बराबर कितना आ गया हो, दो दुना के चार कितना मैन कर रहा है, दो मैन सात, दो मैन ग्यारह, सात देख लो फिर से एक बार डब्ल्यू, चार महिलाएं उसी काम को कितना देखो तो कट रहा है क्या, ग्यारह गुने ग्यारह आ गया, यहाँ पर फिर से एक बार देखो तो एम, एम का वैल्यू दो, डब्ल्यू का वैल्यू एक, पांच मैन चार ओमैन, तो पांच मैन पांच दुना के दस, चार ओमैन चार एकम चार एक, और ये हो गया कितना दो दुना के चार, सात एकम सात, सात चार ग्यारह इंटू इसका वैल्यू कितना, अरे उल्टा उल्टा यहाँ पे इसका वैल्यू देखो बाबू कितना है ग्यारह, इसका वैल्यू ग्यारह है यहाँ, ये चौदह है चौदह है चौदह, तो ये सही ये कट गया, एक्स का वैल्यू ग्यारह, एक्स का वैल्यू ग्यारह देख लेना, एक्स का वैल्यू ग्यारह होगा, थोड़ा बैटरी लो हो गया था इसलिए बैटरी बदला गया ठीक ना। ए बादल कुमार भजपुरी मत बोलिए बाबू, बात बताएं एक बात, ई जो आदमी है ना यहाँ पे बैठा हुआ जिसके माता पिता केवल भजपुरी बोलते हैं ठीक ना, और उसके बाद बाकी की बातें हटाओ, इसलिए भजपुरी नहीं सुनना है, आप दूसरा जगह जाके सुनो, इसलिए कि हम भजपुरी बोल ही बे करेंगे, मेरे टोन में भजपुरी आ ही जाएगा, हम कितना हो साफ सुथरा बोले तो आपको हिंदी नहीं पूरा बोलने आता, कन्फर्म बोल रहे हैं, कन्फर्म बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, हिंदी से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम कितना हो बोलेंगे तो उसमें भजपुरी का टोन आ ही जाएगा, और आप कहो कि आपका चैनल है तो प्रचार कर दें, ये बात बोलो, भजपुरी से तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, यदि भजपुरी हो तो, बाकी कहीं और के हो तो बातें हटाओ, बताओ चैनल का प्रचार करना है तो बताओ, बता देते हैं चैनल का कि हाँ सर हमारा चैनल चला लगे, चलो आओ देखो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को हटाते हैं, इस क्वेश्चन के बताइए बात, 20 वर्षों तक भोजपुरी ही बोले हैं और कोचिंग खोलने के बाद हिंदी बोलना थोड़ा चालू किए, हिंदी भी बोला जाता है, ऑफलाइन ना चल पाई हो बाबू, ऑफलाइन ना चल पाई, इसका आंसर बता दो, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, लास्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना, छूट दी जाती है देने के बाद इतना में बेचा जाता है, करे यदि इतना लाभ होता, करे यदि छूट ना दी जाती तो इतना लाभ होता, करे मूल बता दो, जल्दी बताओ इसका आंसर, आओ देखो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, करे इतना इतना छूट देने के बाद इतना में बेचा जाता है, इतना छूट का मतलब आपको समझ में आता है, इतना छूट का मतलब, इतना छूट का मतलब होता है एक बटे में आठ, अरे भैया 25% का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एक बटे में चार, तो 12.5% का न्यूमेरिकल वैल्यू का मान होगा 12.5% का न्यूमेरिकल वैल्यू का मान होगा पॉइंट इतना, इसका वैल्यू होगा एक बटे में आठ, 12.5 का 6.25% का मान होगा एक बटे में 16, एक बटे में 16, तो आप याद करो क्या हम बोलने जा रहे हैं, कहिए क्या बोलने जा रहे हैं, इतना के न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा कितना, तो कहिएगा इतना के न्यूमेरिकल वैल्यू एक बटे में आठ, तो छूट एक के देता है तो बेचा कितना में होगा, तो कहिएगा आठ में से एक छूट दे दिला तो बेचले कितना में, सात में, तो हम कहनी कि आठ में से एक बाबू छूट, एक बटे में आठ 12.5% का न्यूमेरिकल वैल्यू एक बटे आठ, छूट दे दिया कितना एक का, तो बेचा होगा 7/8, और इस 7 का वैल्यू 700, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, अब कह रहा है ना कि जब ये 800 के 800 में बेच दिया होता ना, 800 के 800 में तो इतना का लाभ होता, ये इतना ही में बेच दिया होता, इसका मतलब अंकित मूल्य ही क्रय मूल्य बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है, अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता है, तो हम कहेंगे विक्रय मूल्य इस बार हो गया इसका 800, और कह रहे हैं ना कि अब इतना पर आप जानते हैं कितना हम लाभ कमा लेंगे कितना, तो कह रहे हैं कि हम इतना पर तो 60% लाभ निपटा देंगे, तो कहेंगे क्रय मूल्य बता दो, क्रय मूल्य बराबर कहेंगे 800 गुने इसका भी परसेंटेज वैल्यू पर बन जाएगा, छोड़ते हैं छोड़ो हटाओ, 800 गुने 100 बटे में 160,
16 पंजे 80 यानी इसका आंसर 500। आज के लिए इतना ही, समझ में आए तो गुरु दक्षिणा देना ना भूलो, न समझ में आए तो कोई बात नहीं। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। हम क्या बोले पुनः एक बार इस बात को समझ लो, हम क्या बोल रहे हैं, 12.5% का न्यूमेरिकल वैल्यू 1/8, छूट दिया 1 का तो बेचा 7/8, 7 का वैल्यू 700 तो 8 का वैल्यू 800। अब इतना का भी परसेंटेज वैल्यू देखे तो कितना होता है 3/5, लाभ होना है तो 8/5 तो कहेंगे 8/5, 8/5 में 8 का वैल्यू 800 तो 5 का वैल्यू 500, 5 का वैल्यू 500, ऐसा हूं लगा सकी ना जानी के आंसर ऐसा हूं। तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आता है तो इस चीज को जरूर करें। 84,099,32,105 पर गुरु दक्षिणा देना ना भूले, समझ में आता है तो। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मेरे से ऐसे ही पढ़ो। आपको लग रहा है कि सर कुछ, सर को कुछ देना चाहिए तो आप दे सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मस्त रहेंगे। गाना ठीक लगा ना, बात समझोगे ना, गाना ठीक लगा ना। कल से पहले ही सुबह में ही आपका PDF डाल देंगे, 10 बजे के करीब में आपको PDF मिल सकता है, 10 बजे यानी आप घर पे बना लेंगे, तब उसका देखेंगे उसका रिजल्ट क्या होता है, 1-2 दिन में रिजल्ट उसका पता चलेगा वो ठीक विधि व्यवस्था है या गलत। mentorsclasses.com पर जाएंगे, आप लोगों का PDF मिल जाएगा। सब गुरु दक्षिणा दें, नहीं बाबू कोई दिक्कत नहीं, रोहित बाबू जिनको देना है वो दें, जिनको नहीं देना है कोई बात नहीं, मस्त रहे कोई दिक्कत नहीं, बिना गुरु दक्षिणा के भी आप मस्त रहो। सबको मेरे तरफ से जय हिंद बाबू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अच्छा से सुती हजा, नींद भरपूर आवे के चाहिए। कोरोना चाहे कुछ भी गाल ले, नींद में परिवर्तन ना आए तो कोरोना आप पर कोई असर नहीं डाल रहा है। यदि आपका नींद उड़ गया है तो समझिए कि दिक्कत है, समझो कहां से दिक्कत है, पता नहीं। आओ चलो।